कोविड संक्रमण को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचहरा में मॉक ड्रिल रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचहरा के बीएमओ डॉक्टर एके राय समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देश में एक बार फिर कोविड 19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच सरकार अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य इकाइयां इस मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि मॉक ड्रिल के सटीक विवरण के बारे में राज्यों को जानकारी दी जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचहरा में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में डॉक्टर एके राय ने बताया कि 10 बिस्तरों की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचहरा में की गई है और आपातकालीन स्थिति के लिए भी अस्पताल के कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं। मॉक ड्रिल का आयोजन करना है, इस हेतु जिले से नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा जी की ड्यूटी लगी हुई थी और उनके देखरेख में हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी भविष्य में कोविड के संक्रमण को देखते हुए भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि अपनी व्यवस्थाएँ हम सुचारू रूप से संचालित करके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उसका सामना कर सकें। अभी कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं, कोई केस तो नहीं? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो गाइडलाइन आ रहे हैं उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य था कि हमारे पास ऑक्सीजन रेड होना, सारी व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं का अवलोकन जिले से आए हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर 10 बेड ऑक्सीजन सहित जो है उपलब्ध हैं। जो कोविड संभावित जो मरीज आएंगे अगर भविष्य में, तो उनके लिए हमने पूर्व से तैयारी अपनी बना के रखी हुई है।